विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर साहबगंज मंडी स्थित एक सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने भगवान श्री राम और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हमें अपने देश, धर्म, संस्कृति के लिए सर्वत्र निछावर करने के लिए प्रेरित करता है। हम सब हिंदू हैं और भारत हम सब की माता है। इस भाव का किस प्रकार प्रचार किया जाए, विश्व हिंदू परिषद हमें सिखाती है। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा से ही हम सब की रक्षा हो सकती है तथा देश हमें सब कुछ देता है और हम देश को क्या देते हैं, यह भाव भी स्थापित करने में विश्व हिंदू परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के संघर्षों का परिणाम है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही संपूर्ण हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक व मंदिर हम सब के लिए श्रद्धा का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, सरदार जसपाल सिंह, विशेष संपर्क प्रमुख महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. डी के सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, सतीश सिंह, इंजीनियर माया गुप्ता, विनीता पांडे, कुलदीप पांडे, मधु पोद्दार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्ष प्रांत के सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, बच्चे आपके सामने कराना चाहता हूँ। बीच में जो बैठे हुए मंच पर माननीय राजेंद्र सिंह पंकज, आप सहारनपुर जनपद उत्सव के नाते से आपने क्या किया और वर्तमान में आप केंद्रीय मंत्री जन जागरण का उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरे जो है डॉक्टर आरपी सिंह, आप प्रांत के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नाते से दायित्व का ग्रहण कर रहे हैं। अनिल जसवाल जी, माननीय अनिल जसवाल जी जो कारगिल के अध्यक्ष हैं, अभी पर इस समय जो कार्यक्रम उसके अध्यक्ष के नाते से आपको दायित्व दिया गया है और आप किराना तिथि के प्रबंधक, जिस मंत्री परिषद दक्षिण प्रदेश के संरक्षक का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी थी, भगवान कृष्ण का जन्म था और उसका उत्सव देश के कोने कोने में बड़े ही हर्षोल्लास और जहाँ पर भी विश्व के किसी भी भाग में इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं वहाँ पर सब दूर बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद की भी स्थापना 1964 में भगवान कृष्ण की ज्ञान का एक प्रमुख वाक्य है, प्रमुख श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब मैं इस देश के अंदर
या इस धराधाम के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए पुनः पुनः अवतार लूंगा यानी जन्म लूंगा। उन्होंने ये कार्य अपना समझा है और मैं समझता हूं कि विश्व के अंदर किसी भी ऐसी विराट शक्ति ने या देव्य पुरुष ने या महानुभाव ने या अवतार ने ऐसा एग्रीमेंट किसी अपने समाज के साथ नहीं किया होगा जैसा भगवान कृष्ण ने हिंदू समाज के साथ किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि धर्म की स्थापना इसका कार्य यह मेरा है और मैं इस कार्य के लिए बार बार जन्म लूंगा। ये काम ना मेरे किसी रिश्तेदार का, ना मैं किसी भाई भतीजे का या किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य का है, ये स्वयं मेरा यानी मेरा कार्य है और मैं इसको करता रहूंगा। धर्म की स्थापना की, धर्म ये कोई पूजा पद्धति नहीं है। माँ का बेटे के प्रति अपना धर्म है, बेटे के बेटे का माँ के प्रति अपना धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति अपना धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति अपना धर्म है, शिष्य का गुरु के प्रति है और गुरु का शिष्य के प्रति है। धर्म हमको मर्यादा सिखाता है, धर्म हमको अपने कर्तव्य का बोध भी कराता है। धर्म एक जीवन जीने की कला है और इस धर्म को आधार लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी स्थापना के समय उसके महापुरुष ने विचार किया कि जो कार्य भगवान का है उस भगवान के उस कार्य को लेकर के और मैं हम भी इसको काम को लेकर चलेंगे। और उन्होंने भी वेद के एक वाक्य को पकड़ करके अपना ध्येय वाक्य बनाया, धर्मो रक्षति रक्षिता। अभी गीत हो रहा था उसमें भी कहा कि धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा हम आज करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता ये भी यही कहता है कि धर्म की रक्षा हम करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी वाक्य को पकड़ करके विश्व हिंदू परिषद की अपनी स्थापना हुई है। धर्म वो कौन सा धर्म है? जो सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, जो हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है, जो हमें हमें मर्यादा में रहना सिखाता है, जो हमें अपने देश धर्म संस्कृति के प्रति मर मिटने की और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है, जो धर्म हमें धर्म की रक्षा के लिए बलिवेदी पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो धर्म उस वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करना ही हमारा दायित्व है। ये प्रत्येक उसका धर्म का दायित्व है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस धर्म की रक्षा के लिए मानव समाज के अंदर इस प्रकार का एक भाव जागृत किया है। कोई भी कार्य करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे या धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करेंगे, उसका समापन धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस उद्घोष के साथ करते हैं। धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना बोलते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो या मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे दोस्त का कल्याण हो, मेरे गांव का कल्याण हो, नहीं नहीं पूरी वसुधा का कल्याण होना चाहिए। उस कल्याण की बात बोलते हैं, उस धर्म के कार्य को और इस भारत भूमि में जो उत्पन्न हमारी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उन सब उपासना पद्धतियों के अंदर में कहीं ना कहीं उसके मूल में कहीं से भी जिसको प्रारंभ हुआ होगा तो उसके मूल में अगर ढूंढने चलेंगे तो धर्म का भाव कहीं ना कहीं उसमें मिलेगा। और उसी के लिए उसकी स्थापना भी हुई है। उन उपासना पद्धतियों में बीच के कालखंड में कई बाहरी प्रभाव के कारण से आपस में कुछ दूरियां बन गई थी, उनमें कुछ दूरियां बढ़ने के कारण से एक दूसरे के और दर्शन को ना समझने के कारण से, तो उसके मूल तत्व की जानकारी ना होने के कारण से आपस में लड़ाइयां होती थी, संघर्ष भी होते थे, कई लोग हताहत भी होते थे और भाई पर भाई विजय प्राप्त करके अपने को खुश होता था, दुखी नहीं होता था। इस भाव को कैसे दूर किया जाए, हम सब हिंदू एक, ये भाव कैसे निर्माण किया गया, हम सब एक, हम सबका एक,
इस भाव को किस प्रकार से उसमें स्थापित किया जाए। ये विश्व हिंदू परिषद ने धार्मिक जगत के जो भी उपासना पद्धतियां थी उन उपासना पद्धतियों को मिला करके एकजुट के एक मंच के ऊपर में लाने का काम करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। दुर्गेश त्रिपाठी, बजरंग दल प्रांत संयोजक। विश्व हिंदू परिषद के 57 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 97 वर्ष पूरे होने पर आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर दक्षिणी जिले द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और आज हमारे वक्ता श्री पंकज राजेंद्र सिंह पंकज जी ने विश्व हिंदू परिषद के अभी तक जो कालखंड जीवन का रहा है, उसने जो जो आंदोलन किए हैं, उन्होंने जो जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने शुरू करके आज वो विजय के तौर पर आंदोलन पूर्ण हुआ, ऐसे सभी आंदोलन की आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और साथ में आने वाले कार्यक्रमों के लिए हम सब कार्यकर्ताओं का मन बना रहे हैं।